अध्यापक थे, कई सारे स्टूडेंट्स रंगनाथन को पसंद करते थे। एडवर्ड ई रोश उनके गुरु का नाम है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि गणित के प्रोफेसर का नाम, तो ई डी डब्ल्यू ए आर डी, एडवर्ड बी आर ओ एस एस। ये भी सवाल एक बार पूछा कि रंगनाथन के गणित के गुरु कौन थे, तो एडवर्ड बी रोश जो है वो रंगनाथन के गणित के प्राध्यापक थे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सैयद फैमिली एक बार फिर से आपके सामने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम डिजिटल क्लासेस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के साथ। टारगेट अभी चैनल के द्वारा हमारे माध्यम से आपको कई सारी नवीन क्लासेस दी जा रही है, नवीन कंटेंट के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई तकनीक के साथ। साथियों, लगातार आपकी डिमांड को हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं और आपके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों पर हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। आज का जो शीर्षक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शीर्षक अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का जो शीर्षक है, मैं बात करने चाह रहा हूँ महान व्यक्तित्व की, महान शख्सियत की, एक अपने आप में एक अनूठा कैरेक्टर। क्योंकि अगर इस कैरेक्टर का नाम नहीं लिया जाए, इस व्यक्तित्व की बात नहीं की जाए, तो पुस्तकालय विज्ञान अपने आप में संपूर्ण रूप से अधूरा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एस आर रंगनाथन की। आज हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन से संबंधित समस्त चीज़ों पर बात करेंगे, उनका संपूर्ण जीवन परिचय, उनके द्वारा दिया गया योगदान, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, जिस जिस एग्जाम में जहाँ जहाँ जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे ही शीर्षकों पर हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। साथियों, बहुत छोटी सी बातें, मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें, बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूँ। देखिए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ये नाम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दिन तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें रंगनाथन से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, क्योंकि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि रंगनाथन जो है वो पुस्तकालय विज्ञान के जनक हैं। रंगनाथन ने अपने जीवन में, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको क्लासेस दी है, दैट इज नोन एज फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, हमने उसमें भी बात करी, रंगनाथन ने ही पुस्तकालय विज्ञान शब्द को जन्म दिया है। रंगनाथन ने जब अपनी पहली पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक का नाम था फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस शब्द वहां पर पहली बार काम में लिया गया। इससे पहले किसी ने लाइब्रेरी साइंस शब्द को काम में नहीं लिया, सभी लोगों ने लाइब्रेरियनशिप काम में लिया। क्योंकि रंगनाथन ने कहा कि ये विषय जो है ये विज्ञान है, और विषय विज्ञान तब बनता है जब उसमें किसी प्रकार की तकनीक हो, विधि हो, मेथड हो, या सिस्टमेटिकली स्टडीज हो। हम इस विषय को विज्ञान के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग जैसी विभिन्न प्रकार की तकनीक है। लेकिन फिर भी जो है ये विषय आर्ट्स फैकल्टी का है और सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो कई सारे बच्चों से मैं सवाल पूछता भी हूँ, या एग्जाम में एक बार ये सवाल भी पूछा गया कि पुस्तकालय विज्ञान क्या है, ये एक विज्ञान है या कला है? ओके, सो इसी पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर हम अपने मूल शीर्षक पर आएंगे। ये पूछा जाता है कि पुस्तकालय विज्ञान अपने आप में क्या है। इट इज, नाम से अगर हम बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? इट इज कहलाएगा लाइब्रेरी साइंस। नाम विषय का लाइब्रेरी साइंस। अब और जुड़ गया इसके अंदर लाइब्रेरी एंड दूसरा एक और साइंस है क्या, जिसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। एक विज्ञान पुस्तकालय विज्ञान, दूसरा है आपका सूचना विज्ञान। दो प्रकार का विज्ञान है, दो साइंस है, दोनों को एक साथ कहेंगे तो हम कहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। साथियों, मेरा जो प्रश्न है आपसे यहां पर यह है, छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं, यहां पर एक साइंस यहां है और एक साइंस यहां पर है, दो विज्ञान है। तो दो विज्ञान होने से मेरा आपसे सवाल ये कि ये लाइब्रेरी साइंस जो है ये साइंस है या आर्ट्स है? तो बच्चे कहते हैं सर ऑब्वियसली दिख रहा है नाम में साइंस है, और अगर साइंस है तो इसे सोशल साइंस की कैटेगरी में क्यों डालते हैं या इसे आर्ट्स की कैटेगरी में हम क्यों डालते हैं? क्योंकि जब हम इसकी स्टडीज करते हैं तो आर्ट्स कॉलेज में हमको ये पढ़ा जाता है, दैट इज नोन एज सोशल साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ एस ओ, इट्स एस ओ सी आई एल, सोशल, एस सी आई ई एन सी, सोशल साइंस फैकल्टी के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। सो अगेन इट्स अ साइंस, सोशल साइंस या आर्ट्स की कैटेगरी में पढ़ाया जाता है। कारण ये है कि ये विषय विज्ञान तो है ही है, लेकिन इस विषय को पढ़ने से पहले रंगनाथन की फिलोसॉफी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस आप तब तक नहीं समझ सकते, मेरा ये मानना है, कि जब तक आप रंगनाथन की फिलॉसफी या रंगनाथन का दर्शन नहीं समझ सके।
अगर आप रंगनाथन का दर्शन समझते हैं तो लाइब्रेरी साइंस आपके लिए समझना बहुत ही इजी और बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए रंगनाथन की जो फिलोसॉफी है वो पढ़ना हमें पहले जरूरी है। हम बात करते हैं, दैट इज फिलोसॉफी ऑफ रंगनाथन। इट्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिलोसॉफी रंगनाथन की। रंगनाथन की फिलोसॉफी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा दैट इज इट्स अ साइंस। और साइंस अब चूंकि इसमें आधुनिक तकनीक हो गई इसलिए क्या बन गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो रंगनाथन ने जितनी भी चीजें कही वो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। रंगनाथन के द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। रंगनाथन ने जो महत्वपूर्ण काम किए उसमें से भी चार इंपॉर्टेंट काम है आपको रंगनाथन के, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन है। पहला कॉन्ट्रीब्यूशन रंगनाथन का जो है वो आपको पढ़ना है, इट इज नोन एज फाइव लॉज। ये फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है रंगनाथन का सब्जेक्ट के लिए। रंगनाथन का सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है आपका एम ए एल ए, इट इज, मैंने आपको पहले ही बताया, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। रंगनाथन का तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सब्जेक्ट के लिए, दैट इज नोन एज सी ओ एल ओ एन कॉलन क्लासिफिकेशन। ओके, रंगनाथन का चौथा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है आपका सी 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 यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। रंगनाथन का पांचवा कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज नोन एज आर ई एफ आर ई एन सी रेफरेंस सर्विसेज। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। जहां पर फाइव लॉज हमने आपको स्पेशल वीडियो दिया है आप देख सकते हैं, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन, कॉलन क्लासिफिकेशन पुस्तकालय वर्गीकरण की पद्धति, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तकालय सूचीकरण, और सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस सर्विस पुस्तकालय के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवा। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हम इन कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आज जिस शख्सियत का नाम ले रहा हूँ उसका नाम है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। और एस आर रंगनाथन जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। आइए सिस्टमेटिकली हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन पे। आज का मेरा टॉपिक है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। सो एस आर रंगनाथन पे किस प्रकार से हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है और इस नाम से संबंधित आज हम बातें करेंगे। रंगनाथन चूंकि सभी लोग जानते हैं फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, रंगनाथन के जीवन से संबंधित हम आज विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे। महान व्यक्तित्व है, इनके जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं मैंने उन्हें छह बिंदुओं में बांटा है और आज हम उन छह बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके एक नंबर पर जीवन परिचय के बारे में, क्योंकि सवाल एग्जाम में अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, तो ये इन छह क्षेत्रों में से किसी भी एक पर या दो पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। संभावना के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला जीवन परिचय हम बात करेंगे, नंबर दो पे हम बात करेंगे रंगनाथन की शिक्षा, नंबर तीन पे हम बात करेंगे रंगनाथन का व्यवसाय, नंबर चार पे पुस्तकालय के क्षेत्र में रंगनाथन का योगदान, नंबर पाँच सम्मान एवं पुरस्कार, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नंबर छः पे हम बात करेंगे रंगनाथन के द्वारा रचित पुस्तकों के बारे में। ओके, सो एक एक करके बहुत ही डिटेल में और विस्तार से बात करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई लिटरेचर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, आप ध्यान पूर्वक अगर इस बात को सुनेंगे तो आपका रंगनाथन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और गारंटीड एग्जाम में दो या तीन प्रश्न आपके जो है इस वीडियो से कवर होंगे, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि रंगनाथन से संबंधित प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो ये चित्र है क्योंकि सभी लोग वाकिफ हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन से और इन्हीं के बारे में हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है रंगनाथन से संबंधित वो है रंगनाथन का जीवन परिचय, ये पहला बिंदु है और इस पहले बिंदु पे हम बात करते हैं। जब जीवन परिचय की बात आती है तो जीवन परिचय से ही जो है छोटी सी बात स्टार्ट होती है, रंगनाथन का जन्म, रंगनाथन की मृत्यु, जन्म तिथि से ही बात स्टार्ट होती है। तो हम एक ही करके पॉइंट्स की बात करेंगे। जीवन परिचय में सबसे पहली बात रंगनाथन का नाम। ओके, सो रंगनाथन के नाम की बात करते हैं। यहां पर आपके सामने नाम लिखा हुआ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ओके, सो नाम डिटेल में बात करेंगे। एस का मतलब है शियाली,
आर राममृता। और नाम है रंगनाथन, आर ए एन जी ए एन ए टी एच ए एन। सो यहां से बना आपका, एक बना आपका एस, एक बना आर, और फिर बना आपका रंग, तो एस आर रंगनाथन। तीन शब्दों से मिलकर बना है शियाली रामम रीता रंगनाथन। शियाली जो है इनके गांव का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ विलेज जहां पर रंगनाथन का जन्म हुआ, इट्स अ विलेज। ओके, रामम रीता, इट्स फादर एफ ए टी एच ई आर, पूरा नाम राममृता अय्यर। तो राममृता अय्यर पिता का नाम है और शियाली ग्राम है। ये जो गांव है शियाली विलेज, ये जगह का नाम है तंजावुर, टी ए एन जे ए डब्ल्यू ओ आर, तंजावुर। ओके, और तंजावुर जो है ये कहां पर है, ये स्टेट है मद्रास, एम ए डी आर ए एस, मद्रास। तो दक्षिण भारत मद्रास। ओके, ग्राम शियाली, जिला तंजावुर, और स्टेट जो है आपकी वो आपकी मद्रास है। तो ये रंगनाथन, यहीं से रंगनाथन ने अपनी पढ़ाई भी करी गांव से इसी। सो पहला सवाल, एस आर रंगनाथन का मतलब शियाली राममृता रंगनाथन। राममृता पिता का नाम, राममृता अय्यर जो है पिता का नाम है। बचपन में ही रंगनाथन जब छोटे थे 6 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया था। ओके, सो पहली चीज नाम। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात हम करते हैं इसी क्रम में कि नाम के अलावा अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ दूसरा पॉइंट बनता है, जन्मतिथि। और इस पर भी दो प्रकार के कंफ्यूजन है, सवाल आते हैं। रंगनाथन की एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूंगा, दो डेट ऑफ बर्थ प्रचलित है, एक आपकी है 9 अगस्त 1892 और दूसरी है 12 अगस्त 1892। ये दो डेट प्रचलित है, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूं। पहले डेट ऑफ बर्थ जो है 9 अगस्त, ये आपकी ओरिजिनल है, और ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये डॉक्यूमेंट डीओसी डॉक्यूमेंट्स में, यानी कि रंगनाथन के दस्तावेजों में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 12 अगस्त लिखी हुई है और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 अगस्त है। बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम में आ जाए तो क्या करना है, कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही है, हुआ भी है ऐसा, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए दो तरह की बातें हैं। पहली बात ये कि अगर दोनों में से कोई एक डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाए, चाहे वो 9 अगस्त आ जाए या 12 अगस्त आ जाए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 9 अगस्त आ जाए तो आपको 9 लिखनी है और 12 अगस्त आ जाए तो आपको 12 लिखनी है। कन्फ्यूजन वहां स्टार्ट है कि अगर मान लीजिए दोनों डेट ऑफ बर्थ एक साथ आ जाए, तो जब दोनों डेट ऑफ बर्थ एक साथ आ जाए तो इसका मतलब ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपको 9 अगस्त के बारे में पता है या नहीं है, तो आपको 9 अगस्त ही डेट ऑफ बर्थ सही लिखनी है, 12 अगस्त नहीं लिखनी है, क्योंकि 12 अगस्त डॉक्यूमेंट्स में है। और 12 अगस्त डॉक्यूमेंट्स में इसलिए है क्योंकि जब रंगनाथन 6 वर्ष के थे, उनकी उम्र जब 6 वर्ष थी, तो पिता का देहांत हो गया था, तो उनके काका ने जो है उनका एडमिशन उनके स्कूल में करवाया था, और जब स्कूल में एडमिशन करवाया था तो वहां डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने 9 की जगह 12 अगस्त लिखवा दी थी, इसलिए रंगनाथन के डॉक्यूमेंट्स में 12 अगस्त है। लेकिन रंगनाथन ने जितना भी अपना साहित्य लिखा, जितना भी लिटरेचर लिखा, जितनी भी किताबें लिखी, उन किताबों में रंगनाथन ने स्वयं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 9 अगस्त लिखी है। अब 12 अगस्त जो है इसे हम सेलिब्रेट भी करते हैं, 12 अगस्त आपको पता होगा कि 12 अगस्त का हम सेलिब्रेशन भी करते हैं। ये इंडिया में 12 अगस्त को हम लोग लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइब्रेरियन। ओके, तो ये कई सारे बच्चे कहते हैं सर 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है इसलिए 12 अगस्त ही सही है, ऐसा नहीं है। आप राजस्थान से हैं और मैं आपको एक चीज फैक्ट दे दूं कि राजस्थान के अंदर जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय, तो भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय का जो वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है, उस भाषा पुस्तकालय निदेशालय के वार्षिक कैलेंडर में उन्होंने 9 अगस्त को रंगनाथन जयंती के नाम से उसके अंदर दर्ज कर रखा है। तो अब राजस्थान गवर्नमेंट का जो कैलेंडर है और राजस्थान का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका हम
भाषा में पुस्तकालय निदेशालय जिसे कहते हैं, वो डिपार्टमेंट खुद अपने वार्षिक कैलेंडर के अंदर ये लिखा हुआ उसके अंदर कि 9 अगस्त को जो है वो रंगनाथन जयंती मनाते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि 9 अगस्त ही जो है आपको रंगनाथन जयंती माननी है। ओके, हमारे पास डॉक्यूमेंटली प्रूफ भी इसलिए। सो डेट ऑफ बर्थ का कन्फ्यूजन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 9 अगस्त ही डेट ऑफ बर्थ है। अगर 9 अगस्त नहीं लिखा हुआ है तो फिर आपको 12 अगस्त करना है, और 12 अगस्त को हमारे यहाँ पर लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर लाइब्रेरी डे या लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी डे के बारे में मैं आपको फर्स्ट यूनिट में वैसे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि वो जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। लाइब्रेरी वीक है वो 14 से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। लेकिन जब लाइब्रेरियन, क्योंकि रंगनाथन अपने आप में क्या थे, लाइब्रेरियन, तो लाइब्रेरियन डे जब मनाया जाता है यानी पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जब मनाया जाता है तो उसको आप क्या कहेंगे, वहां पर आपको 12 अगस्त जो है वो आपको सही करना है। ओके, सो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको अलग अलग चीजें बता रहा हूँ, ये जीवन परिचय से संबंधित है। पहला मैंने आपको बताया रंगनाथन के नाम से संबंधित, दूसरा मैंने आपको बताया कि रंगनाथन की जन्म तिथि से संबंधित। तीसरी बात हम लोग करते हैं क्योंकि हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो तीसरी बात हम जीवन परिचय से संबंधित हम बात करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रंगनाथन का जन्म हो गया। नेक्स्ट नंबर दो इंपॉर्टेंट, रंगनाथन 1907 जन्म कब हुआ, 1892। तो 1892 से 1907 आऊंगा तो एज क्या आएगी, दैट इज 15 ईयर्स। यानी रंगनाथन जब 15 साल के थे तो 15 साल की एज में रंगनाथन का पहला विवाह हुआ शारदा, सॉरी रुक्मणी। पहला विवाह कैसे हुआ, रुक्मणी से। रंगनाथन तो रुक्मणी की बहुत अर्ली स्टेज में जो है 1928 में ही जो है उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात रंगनाथन ने पुनः शादी करी, तो जब रंगनाथन ने दूसरी बार 1929 में शादी करी, ये पहला विवाह है रंगनाथन का। फर्स्ट मैरिज जो है वो रुक्मणी से है और सेकेंड मैरिज जो रंगनाथन ने करी वो करी शारदा से, SHARDA शारदा। 1929 में मैरिज करी, रुक्मणी की मृत्यु डेथ है DEATH डेथ है 1928 में। तो 1928 में जो है रुक्मणी की मृत्यु हो गई। शारदा से 1929 में विवाह किया और शारदा की मृत्यु जो है वो 1985 में मृत्यु है, और वो भी है बेंगलोर में, BANGLORE बेंगलोर। पहली पत्नी की मृत्यु, पहली पत्नी का नाम रुक्मणी और रुक्मणी की मृत्यु 1928 में। दूसरी शादी जो है शारदा से करी 1929 में और बेंगलोर में 1985 में जो है वो शारदा की मृत्यु। यानी रंगनाथन की मृत्यु जो है 1972 में हो गई थी, और 1972 में होने के बाद जो है अब 13 साल बाद जो है 1985 में जो है शारदा की मृत्यु हुई। शारदा के नाम से SRELS भी चलता है बेंगलोर के अंदर, आपको नाम पता रहना चाहिए, SRELS यानी कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बेंगलोर में स्थापित है। आज जितना भी रंगनाथन का लिटरेचर है उसके समस्त कॉपीराइट कॉपीराइट रंगनाथन का जितना भी साहित्य, सारा का सारा साहित्य जितना भी है, उस साहित्य का संपूर्ण कॉपीराइट जो है वो SRELS के पास है। ये SRELS जो है बेंगलोर में स्थापित है। अभी आप जितनी भी मार्केट में किताब देखेंगे, आप में से भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक होगी, तो उस कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक के आप नीचे देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है SRELS यानी कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। सो ये रंगनाथन के पारिवारिक के बारे में, क्योंकि हालांकि प्रश्न तो नहीं आता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रंगनाथन जब पहली पुस्तक लिखी है अपनी, तो पहली पुस्तक में लिखा टू माय बिलव्ड वाइफ रुक्मणी। तो रंगनाथन ने अपनी पुस्तक को जो है रुक्मणी को डेडिकेट किया। उसके बाद कई सारी पुस्तकें लिखी जो कि शारदा को, तो पहली पत्नी का नाम रुक्मणी और दूसरी पत्नी का नाम जो है शारदा है। शारदा से रंगनाथन को एक पुत्र भी प्राप्त है जिसका नाम है आर योगेश्वर, ये भी आप नोट कर लें, RYOGESHWER ये आर योगेश्वर। रंगनाथन को केवल मात्र एक ही पुत्र है जिसका नाम आर योगेश्वर है, और आर योगेश्वर का जन्म जो है वो 12 अप्रैल 1932 का है। आपको ये भी याद रखना है तो आप कर लीजिए, 12 अप्रैल 1932 जो है ये वो आर योगेश्वर जो है
आर योगेश्वर की जन्मतिथि, तो ये भी आपको याद आप रख सकते हैं। सो सिंपल सा एक जीवन परिचय, रंगनाथन ने क्या क्या किया। पहला जन्म पे सवाल आ सकता है, दूसरा लाइब्रेरियन डे पे सवाल आता है, रंगनाथन के पूरे नाम पे सवाल आता है, रंगनाथन के पिता का नाम, रंगनाथन दक्षिण भारत के रहने वाले, तंजावुर ओके और मद्रास इसके स्टेट है, ये सब चीज़ें सिंपल था। क्योंकि अगर इनमें प्रश्न बनता है तो मोस्टली प्रश्न अब तक जो बने हैं वो सिर्फ रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ पे बने, तो डेट ऑफ बर्थ का क्या कन्फ्यूजन है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब जीवन परिचय में हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम बात करते हैं रंगनाथन की शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा रंगनाथन की महत्वपूर्ण है। रंगनाथन ने शिक्षा जो है 10वीं तक जो है हाई स्कूल, पहला पॉइंट, रंगनाथन ने हाई स्कूल HIGH हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो शियाली है, शैलीग्राम अपने गांव से ही जो है रंगनाथन ने शिक्षा प्राप्त करी हाई स्कूल की। जब हाई स्कूल की शिक्षा हो गई 10th की, तो उसके बाद रंगनाथन 1913 में रंगनाथन ने BA नंबर 2 1913 में रंगनाथन ने क्या किया, BA किया, और 1916 में रंगनाथन ने अपना कंप्लीट किया MA जिस विषय में किया, MATHS मैथ्स में किया, गणित में। रंगनाथन अपने आप में एक गणितज्ञ भी थे और गणितज्ञ होने की वजह से ही जो है मुझे जो लगता है रंगनाथन ने अपनी जितनी भी एनर्जी डाली, अपनी जितनी भी सोच डाली क्लासिफिकेशन के अंदर, वो गणित विषय के अंदर जो है महारत हासिल थी रंगनाथन को। इसलिए रंगनाथन गणित के एक फेमस प्रोफेसर थे, एक आदर्श प्राध्यापक थे, कई सारे स्टूडेंट्स रंगनाथन को पसंद करते थे। एडवर्ड ई रोश उनके गुरु का नाम है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि गणित के प्रोफेसर का नाम, तो EDWARD एडवर्ड BROSS, ये भी सवाल एक बार पूछा कि रंगनाथन के गणित के गुरु कौन थे, तो एडवर्ड बी रोश जो है वो रंगनाथन के गणित के प्राध्यापक थे। रंगनाथन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से जो है अपनी सारी की सारी एजुकेशन वहाँ पर उन्होंने प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त करी, मद्रास, ये भी इम्पोर्टेंट है आप नोट कर लीजिए, MADRAS मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज ओके। तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से रंगनाथन ने अपनी शिक्षा प्राप्त करी। ये यहाँ तक जो है रंगनाथन का सिंपल आपका रंगनाथन का जीवन परिचय है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये कई सारी छोटी छोटी बातें भी हैं जिसमें मैंने आपको बताया, कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पर बातें करी। सो शिक्षा से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बातें याद रखनी है कि स्कूल एजुकेशन रंगनाथन की 10th तक शियाली ग्राम से है, 1913 में BA है, 1916 में रंगनाथन ने MA किया क्रिश्चियन कॉलेज से, और एडवर्ड बी रोज जो है रंगनाथन के गुरु रहे। ये आपको छोटी छोटी बातें हैं जो कि याद रखनी है। हालांकि एक बार ये सवाल पूछा गया कि रंगनाथन के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है, तो वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, WCB शेयर्स भी रंगनाथन के गुरु हैं और एडवर्ड बी रोज भी है, लेकिन एडवर्ड बी रोज जो हैं वो रंगनाथन के मैथमेटिक्स के गणित के गुरु हैं, और जबकि WCB शेयर्स की बात आती है तो WCB शेयर जो है वो रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के गुरु, यानी पुस्तकालय शिक्षा जो है रंगनाथन ने वो WCB शेयर से प्राप्त करी। अब आइए यहाँ से बढ़ते, यहाँ से रंगनाथन का कैरियर स्टार्ट है, क्योंकि पहला जीवन परिचय है, दूसरा शिक्षा है, तीसरा इंपॉर्टेंट पड़ाव जो है वो है रंगनाथन का कैरियर, कैरियर यानी कि व्यवसाय। सन 1917 में सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट वाइज हम लोग बात करेंगे, एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रंगनाथन ने सन 1917 में मैंगलोर MANGLOR मैंगलोर में प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू करा ओके। सो प्रोफेसर प्राध्यापक जिसको हम कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं या आप बहुत सिंपल है, आप यहां पर प्राध्यापक कहते हैं मैंगलोर में, तो प्राध्यापक के रूप में काम किया, लेकिन प्राध्यापक के रूप में 2 विषय पढ़ाते थे, पहला था आपका गणित पढ़ाते थे और दूसरा जो था वो आपका था
भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दो विषय रंगनाथन ने मैंगलोर में पढ़ाना शुरू किया 1917 में। मैंगलोर में 1917 से जब उन्होंने 1921 तक पढ़ाया वहाँ पर, और जनवरी ये जो आपका जो टाइम पीरियड है 1917 से केवल 1921 तक है। ओके, पहली जॉब है रंगनाथन की, दूसरी जॉब है 1921 से 1924 तक 1924। ये दो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद नहीं, पहला मैंगलोर है, दूसरा आपका जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। ओके, सो यहां पर भी उन्होंने प्रोफेसर के रूप में काम किया, यानी कि प्राध्यापक के रूप में काम किया, और यहां पर केवल एक ही विषय था उनके पास, वो था गणित। ये मैंगलोर में थे और ये प्रेसिडेंसी कॉलेज ये दो जॉब आपको याद रखनी है सिर्फ कैरियर से संबंधित। पहला 1917 से 1921 तक ये फर्स्ट है, और दूसरी जॉब जो है 1921 से 1924 तक। केवल किस पोस्ट पे काम कर रहे थे? प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि लेक्चरर की पोस्ट पे काम कर रहे थे, और गणित भौतिक शास्त्र पढ़ाया पहले और बाद में सिर्फ गणित पढ़ाया, वो मैंगलोर में पढ़ाया, और ये आपका प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में पढ़ाते। ये दो जॉब्स हैं 1924, यहाँ पर मैंने लिखा 1921 से 1924। अब इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर आता है हमारा, वो फैक्टर ये आता है कि यहाँ से होते ही जो 1924 यानी कि मैं नेक्स्ट पढ़ाओ जो है इम्पॉर्टेंट ईयर है आपका, आपको याद रखना है 1924, और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1924 जनवरी में रंगनाथन ने ज्वाइन किया मद्रास यूनिवर्सिटी, MADRAS मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरियन LIBRARIAN। तो मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का पद ग्रहण किया, ये टर्निंग पॉइंट है, इसलिए आपको ये सन इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करना है, इट इज 1924। तो 1924 महत्वपूर्ण है क्योंकि रंगनाथन के संपूर्ण जीवन काल का यहाँ परिवर्तन है, और रंगनाथन पहली बार सन 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बने। अब चूंकि यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है, किस्सा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब 1924 में पहली बार रंगनाथन लाइब्रेरियन बने, तो रंगनाथन लाइब्रेरियन बनने से पहले एक शिक्षक के रूप में, एक आदर्श गणित के शिक्षक के रूप में, प्राध्यापक के रूप में काम कर रहे थे। कई सारे छात्र उनके इर्द गिर्द रहते थे और गणित को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है अपने छात्रों को वो उस वक्त पढ़ाया करते थे। रंगनाथन जब अपने छात्रों को पढ़ाते थे, छात्रों के बीच में रहते थे, तो जैसे ही अचानक 1924 में रंगनाथन ने मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी का पद ग्रहण किया, तो लाइब्रेरी में गए तो वहाँ उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि बहुत ही कम पाठक जो है उस लाइब्रेरी में उस वक्त आया करते थे। रंगनाथन ने पूरा दिन लाइब्रेरी में निकालते थे, रंगनाथन ने थोड़े टाइम तक काम किया, और एक सप्ताह तक जब काम किया, एक सप्ताह काम करने के बाद रंगनाथन को बड़ा अजीब सा लगा, और उनको लगा कि शायद मैं इस पद के लिए जो है एक योग्य व्यक्ति नहीं हूं, और मैंने जो है ये अपना पद जो है गलत चूज किया है। रंगनाथन ने वाइस चांसलर को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में रंगनाथन ने गुजारिश की कि आपने, हो सकता है किसी भूलवश या किसी कारणवश जो है मेरा ट्रांसफर जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन के पद पर कर दिया, और ये पद जो है मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार से ये पता नहीं है कि लाइब्रेरियन के कर्तव्य क्या होते हैं, और इस पद पर रहते हुए हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। रंगनाथन ने वाइस चांसलर को पत्र लिखा, वाइस चांसलर ने रंगनाथन को मुलाकात के लिए बुलाया। जब रंगनाथन ने वाइस चांसलर से भेंट करी, तो वाइस चांसलर ने व्यक्तिगत तौर से रंगनाथन से बात करी, और रंगनाथन से कहा कि हमने किसी भी प्रकार से किसी भूल में या अनदेखी में आपका ट्रांसफर जो है पुस्तकालय में नहीं किया है, हमारी नज़र में आपसे योग्य व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आप गणित के प्राध्यापक हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो चूंकि लाइब्रेरियन के पद पर भी हमें ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट हो और चीज़ों को समझता हो और इस पद को बेहतर तरीके से निभा सके, इस कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। जैसी चुनौती आपके सामने है कि आप
लाइब्रेरियनशिप के बारे में नहीं जानते, वही चुनौती हमारे सामने भी है कि हम भी लाइब्रेरियनशिप के बारे में नहीं जानते। इसलिए आप इस चुनौती को स्वीकार करें, और स्वीकार करने के पश्चात जो है आपको ये काम करना है कि आपको लाइब्रेरियन के पद पर रहते हुए कौन कौन से कार्य है और आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये आपको स्वयं सीखना है। तो इस क्षेत्र में आपको काम करने के लिए अगर आप किसी प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट 1924 में ही जो है रंगनाथन ने सेप्टेम्बर SEPTEMBER सेप्टेम्बर 1924 में रंगनाथन पुस्तकालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहली बार LONDON लंदन गए। क्योंकि मैं आपको पहले भी पुस्तकालय की शिक्षा पढ़ा चुका हूँ, तो भारत में पुस्तक रंगनाथन से पहले केवल दो ही प्रयास हुए थे। क्योंकि मेरा अगर आप स्पेशल लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया पर जो लेक्चर बनाया उसके अंदर मैंने आपको बताया, दो प्रयास मैंने आपको उसके अंदर बताए, एक 1910 का है और एक 1915 का जो प्रयास है, जिसमें पहला शियाजीराव गायकवाड़ है और बड़ौदा नरेश वाला जो है और दूसरा पंजाब विश्वविद्यालय वाला जो है, तो वो दो प्रयास हो चुके थे। उससे पहले भारत में किसी प्रकार की पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा नहीं थी, इवन पुस्तकालय विज्ञान ही नहीं था, केवल लाइब्रेरीशिप की हम बात करते थे, लाइब्रेरी साइंस शब्द तो था भी नहीं उस जमाने में। 1924 सेप्टेम्बर में रंगनाथन कहाँ पहुंचे, लंदन पहुंचे। तो यहाँ से सिक्वेंस है और इस सिक्वेंस को आपको मेरे साथ फॉलो करना है जिससे आपको याद रहेगा। तो सबसे पहला हो गया 1924 में जनवरी में, ये यहाँ पर जनवरी है आपको याद रखना है, इट्स JANUAR भाई, ये जनवरी है आपका और यहाँ जो है आपका ये आपका सितंबर है। तो जनवरी से सितंबर की बात है, सितंबर में रंगनाथन लंदन पहुँच गए यहाँ से छोड़ के। जब लंदन पहुँचे तो लंदन पहुँचने पर रंगनाथन की जो मुलाकात है वो हुई आपकी WCBSAYERS WCB शेयर्स, अत्यंत महत्वपूर्ण नाम, क्योंकि जब भी हम लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं शेयर्स का नाम बहुत आता है। तो शेयर्स जो है इनके बारे में कुछ बातें बताऊं। शेयर्स, पहली बात, शेयर्स जो थे क्रोयडॉन CROYDON क्रोयडॉन पब्लिक लाइब्रेरी, के लाइब्रेरियन थे पहली चीज। दूसरी बात, शेयर्स लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर के पद पर भी कार्यरत थे। दो पद थे, एक लाइब्रेरियन और दूसरा प्रोफेसर। तो शेयर्स क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन पहला पद, दूसरा लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे थे, ये दो पदों पर थे। ये रंगनाथन की खोज भी थी, क्योंकि रंगनाथन अपने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे और शेयर्स से बढ़कर और बेहतर उन्हें कोई शिक्षक नहीं मिल सकता था। इसलिए रंगनाथन ने शेयर्स से बात करी और शेयर्स ने उन्हें आमंत्रित किया लंदन आने के लिए। रंगनाथन लंदन पहुंचे और अपने पुस्तकालय की समस्त शिक्षा जो है रंगनाथन ने शेयर्स से प्राप्त करी। शेयर्स मेलविल डेवी के शिष्य थे और रंगनाथन के गुरु थे। सो हम यहाँ पर यही बात करते हैं, शेयर्स की जब जब बात आती है तो शेयर्स जो है रंगनाथन के गुरु हैं। सो ही इज अ टीचर ऑफ रंगनाथन। रंगनाथन ने अपने संपूर्ण लाइब्रेरी साइंस जो है वो सीखी किससे, WCB शेयर्स से। यहाँ शेयर्स के बारे में भी जिक्र आता है, शेयर्स की कई सारी पुस्तकें भी हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन जो है वहाँ पर मैंने शेयर्स के पुस्तकों के बारे में एक लिस्ट है, चार पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में मैंने, ग्रामर है वो, मैनुअल है, ये लाइब्रेरी के, इसमें हमने बात कर रखी है। ओके, सो इट्स अ शेयर। नाउ शेयर्स के बाद देखिए रंगनाथन ने कुल मिला के सेप्टेम्बर 1924 से जुलाई 1925, ये नेक्स्ट फेज है आपका, कब गए थे, सितंबर ।1924 से नेक्स्ट जुलाई 1925, ये फेज इस टाइम तक रंगनाथन कहां रहे, LONDON
लंदन में रहे और लंदन में ही अपने पुस्तकालय विज्ञान की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करी। डिफरेंस है, 1925 में जब रंगनाथन पुनः इंडिया लौटकर आए, ओके, अगेन बैक टू इंडिया लंदन के बाद, जब इंडिया लौटकर आए तो इंडिया लौटने पर रंगनाथन के मस्तिष्क में कई सारी बातें रही, क्योंकि रंगनाथन ने इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में अपनाया था। लाइब्रेरियनशिप क्या होती है ये सीखने गए, ईमानदारी से उन्होंने वहां पर सारी चीजें सीखी, क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैटलॉगिंग क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर किस प्रकार काम होता है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पुस्तकालय प्रबंध पे किस प्रकार काम करनी चाहिए, पाठक का क्या महत्व है, पुस्तक का क्या महत्व है, कर्मचारी का क्या महत्व है, ये समस्त चीजें रंगनाथन अपने मस्तिष्क में अपने साथ में लेकर आए। जब रंगनाथन समस्त चीजें अपने साथ में लेकर आए तो रंगनाथन ने यहाँ पर आते ही समस्त जितना भी ज्ञान था रंगनाथन का, रंगनाथन ने उन्हें तीन चीजों में बांटा, 1, 2 और 3, तीन चीजों में रंगनाथन ने उसे डिवाइड किया। सबसे पहला दैट इज नोन एज रीडर, READER, रीडर यानी कि पाठक। नेक्स्ट इट्स बुक यानी कि पुस्तक, और तीसरा स्टाफ, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्मचारी। महत्वपूर्ण है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। रंगनाथन ने अपनी समस्त सोच को जो है तीन भागों में विभाजित किया। रंगनाथन ने कहा सबसे महत्वपूर्ण अगर इनमें से है कोई तो वो है आपका दैट इज नोन एज रीडर, पाठक, नंबर 2 पर जो है पुस्तक और नंबर 3 पर जो है कर्मचारी। इन सब से मिलकर जिस अवधारणा का विकास हुआ वो अवधारणा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूं, इस अवधारणा का नाम है आपका त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति अवधारणा। इसको त्रिमूर्ति अवधारणा कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये रंगनाथन की शिक्षा है जो रंगनाथन वहां से सीख कर आए थे। इस त्रिमूर्ति अवधारणा के आधार पर रंगनाथन के मस्तिष्क में कई सारे विचार आए और उन विचारों को रंगनाथन लिखते गए। लिखने में रंगनाथन को 3 साल का समय लगा, और जब 3 साल का समय लगा यानी कि मैं बात कर रहा हूं 3 साल, यहां पर 3 साल और जोड़ दें, 1925 में अगर मैं 3 साल जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1928 बन जाएगा। सो 1925 से लेकर 1928 ये 3 साल लगे रंगनाथन को, और इन 3 साल के अंदर जितनी भी सोच थी रंगनाथन की उसने रूप लिया, किस रूप में, दैट इज नोन एज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1925 से 1928 में। 5 लॉज के बारे में मैं डिटेल में आपको लेक्चर दे चुका हूं, इन्हीं के बारे में हम और आगे बात करते हैं, लेकिन इन सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का हमारा शीर्षक जो है वो मैंने आपको बताया कि रंगनाथन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और रंगनाथन की बात संपूर्ण आपको समझ में, उससे पहले कुछ और जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। देखिए साथियों, आप में से कई सारे लोग हैं जो पुस्तकालय विज्ञान की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग, अलग अलग क्षेत्र में परीक्षा का आयोजन होता है, कुछ लोग KBS NBS का एग्जाम देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है राजस्थान, अभी हाल ही में राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही जल्द परीक्षा की तिथि घोषित होने वाली है, आपके सामने आ जाएगी। तो हमने उन सभी लोगों के लिए, स्पेशली राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए जो है हमारा नया डिजिटल कोर्स तैयार किया है। कुछ बच्चे जो है हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और वो हमारे पुराने कोर्स से भी सेटिस्फाइड हैं और उस कोर्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी नए लोग जो अब हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमने अपनी नई डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हुए कोर्स बनाया। देखिए साथियों, कोर्स का नाम है राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, ओके, हम इसी की बात करें। राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड आप सभी लोग जानते हैं, आपके पास सिलेबस है, आपकी 5 यूनिट है, और हर यूनिट के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में, हालांकि 5 पेपर्स है उनके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करी हमने, कंप्लीट कोर्स। अब जो हम आपको राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का जो कोर्स दे रहे हैं, ये कोर्स आपका पूरा ही ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स है आपका,
कंप्लीटली डिजिटल कोर्स है, हमने डिजिटल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हुए और ई कंटेंट्स का प्रयोग करते हुए हमने इसको डिजिटाइज किया है समय के साथ डिमांड करते हुए। ओके, ये कोर्स जो है, इस कोर्स की पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्स जो है 5,000 रुपीज़ का है। हमने इसके अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि हमने पहले इसको 20% और 25% डिस्काउंट से सेल किया था, लेकिन अभी हमने इसको मैक्सिमम कर रखा है, दैट इज नोन एज 40%। यानी कि 40% डिस्काउंट के बाद 5,000 का कोर्स आपको मात्र 2999 यानी कि 2,999 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अभी समय है, आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स में डिस्काउंट देने का सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि आज की डेट में जितनी भी है ऑफलाइन क्लासेस, आपको पता है, बंद है, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सब बंद है। मैक्सिमम बच्चा हमारे से जुड़ा हुआ है ऑनलाइन के माध्यम से। तो जब बच्चा ऑनलाइन के माध्यम से है, घर बैठे पढ़ाई कर रहा है और इस लॉकडाउन के अंदर, इस कोरोना के चक्कर में, सो हम उन सबको ये फैसिलिटी देना चाहते हैं कि घर बैठे, क्योंकि लगातार फोन आते हैं बच्चों के, सर कोर्स बहुत अच्छा है, हमें डिस्काउंट चाहिए, मेरे फ्रेंड ने लिया, सर मैं भी लेना चाहता हूँ, मुझे डिस्काउंट चाहिए। हमने सभी के लिए समान रूप से, क्योंकि 20-25% को बढ़ा के हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है, हमने 40% बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी कोर्स का, तो हमने 40% डिस्काउंट के साथ जो है अभी आपके सामने कोर्स दे दिया है। 40% डिस्काउंट को अवेल करते हुए 5,000 रुपीज का कोर्स आप सिर्फ 2999 में आप परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के लिए आपको, आप पहले सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन करनी है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन टारगेट अभी आप लिखेंगे, टारगेट अभी जैसे लिखेंगे तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन आ जाएगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन की साइज बहुत छोटी है, आपकी एक मिनट के अंदर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, अपना फोन नंबर डाल के वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पर हमारे सारे वीडियो कोर्सेज आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे डिस्काउंटेड रेट में, क्योंकि डिस्काउंट जो है नेक्स्ट वीक तक चलेगा, उसके बाद डिस्काउंट जो है ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, उसके बाद 2-4 दिन के अंदर डिस्काउंट जो है हमारा बंद हो जाएगा। उस डिस्काउंटेड कोर्स को खरीदने से आपको बेनिफिट ये है कि अभी ये 5,000 रुपीज का कोर्स है, पहली बात तो ये कि डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, डिस्काउंट होने के बाद अभी हम जो नए डिजिटल कोर्स को, हम इसकी और जो है फीस थोड़ी सी लिटिल बिट हम इसकी फीस बढ़ाने वाले हैं। जब बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा जो कोर्स आज 2999 में मिल रहा है वो बाद में बहुत जो है एक वीक बाद जो है आपको उसको हायर प्राइस मिलेगा, बिना किसी डिस्काउंट के मिलेगा। तो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमने ऑफर दिया, आप वो ले सकते हैं। कोर्स की कई सारी विशेषता है, आप जब कोर्स डाउनलोड करेंगे, आप उसके अंदर सैंपल वीडियोस देखेंगे, तब आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हमारे से जुड़ने के लिए। या कोर्स की कुछ विशेषताएं जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसमें फुल्ली डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपकी टॉपिक वाइज क्लास भी है और यूनिट वाइज क्लास भी। आपको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने से, किसी को लगता है कि साहब कोर्स खरीदा परचेस किया, तो ऐसा नहीं है। पहले नॉर्मली ये कोर्सेज हुआ करता था, हमने तो नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन कोर्स है, सब रोज एक घंटा ऑनलाइन क्लास चलेगी, आप उसको देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर ले। ऐसा किसी को फर्स्ट यूनिट नहीं पढ़ना है, किसी को पहले सेकंड यूनिट पढ़ना है, किसी को थर्ड यूनिट पहले पढ़नी है। कोई कहता साहब मुझे कॉलन की है, क्लासिफिकेशन की क्लास पहले चाहिए, कैटलॉगिंग बाद में पढ़ूंगा मैं, या मैनेजमेंट बाद में पढ़ूंगा। तो आप जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कोर्स परचेस करेंगे, आपको सारे वीडियोस उसके अंदर मिल जाएंगे। आप जब जो यूनिट पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, जितनी बार पढ़ना चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। हमने उसके अंदर ऑप्शन भी दिया, अभी आप उसके अंदर ऑफलाइन मोड में करके भी आप उसको आप देख सकते हैं और अपने वीडियोज़ को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई मुझसे कल भी एक फ़ोन आया था, एक व्यक्ति कह रहा था, सब मैं जॉब पर रहता हूँ, सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो मैं पढ़ नहीं सकता। तो मैंने कहा 24 आवर्स, आप उसको जब भी अपने एप्लीकेशन खोलेंगे, आप जब जहाँ से पढ़ना चाहेंगे उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कोर्स की कई सारी विशेषताएं हमारी उसके अंदर में दे रखा है। ई नोट्स हैं, हमारी ई बुक्स हैं उसके अंदर। आपको, आप जब कोर्स डाउनलोड करेंगे आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको बुक जो है हमारी वो पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगी, आप उस बुक के आधार पर भी पढ़ सकते हैं सारे कंटेंट। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपके सामने रिटन है, आप मेरा वीडियो देख लेंगे और वीडियो के बाद अगर आपको चाहिए तो आप ई कंटेंट आप वहां पर पढ़ेंगे, आपको वहां से भी आप काम कर सकते हैं। हमारे 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, आप यूनिट है, सेक्शनल टेस्ट है, सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर लिखा हुआ है 7877719287, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। हमारे साथ मिलने के, जुड़ने के कई सारे तरीके। एक सबसे पहला और सिंपल तरीका तो ये कि अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको, आप चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने अन्य साथियों के साथ हमारा ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंच सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम, आप चाहें तो इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे, हमारे चैट ग्रुप पे, आप वहाँ हम कई सारी बातें कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन में भी उन लोगों का चैट ग्रुप है जिन्होंने एप्लीकेशन परचेस करी है, हम आपस में कई सारे डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, वो भी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मेरा वीडियो देख लिया, आपके मन में कोई सवाल रह गया, आप कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको उसी का आंसर दे देंगे। चैट के माध्यम से आप जानना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप व्हाट्सएप के से आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। समस्त किसी भी प्रकार की और भी आपको अन्य जानकारी चाहिए, मैंने आपको फोन नंबर बताया, इस फोन नंबर पे आप टारगेट अभी
यानी कि अभिषेक नामा और डॉक्टर सैयद फैमिली, हम दोनों आपकी सेवा में हाजिर है। आप जितनी भी हेल्प हमसे चाहते हैं, हमारे पास 100% लाइब्रेरी साइंस का सॉल्यूशन है। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रश्न के उत्तर के रूप में, या कोई भी चीज़ आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सिंपल सा तरीका। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और हम इससे हम बात कर सकते हैं। आइए हम उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो शीर्षक है, मैंने अभी आपको बताया कि रंगनाथन के जीवन से संबंधित हम बात कर रहे थे, और मैंने अभी आपको बताया रंगनाथन की त्रिमूर्ति अवधारणा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, और पाठक, पुस्तक, कर्मचारी के आधार पर रंगनाथन ने 1925 से लेकर 1928 तक मंथन किया। 3 साल के अंदर रंगनाथन ने 5 लॉज लिखे, और 5 लॉज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंगनाथन का जीवन का जो पहला योगदान है हमारे इस विषय से संबंधित ये है। अब ये रंगनाथन का व्यवसाय हो गया, रंगनाथन ने अपना काम किया और मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन पद पर आ गए। नाउ यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं रंगनाथन के व्यवसाय के बारे में। रंगनाथन के का जीवन का जो योगदान है सबसे महत्वपूर्ण है, पुस्तकालय विज्ञान के लिए रंगनाथन ने क्या क्या योगदान दिया। पहला योगदान मैंने आपको बता दिया, ओके, सो दैट इज द 5 लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। रंगनाथन ने ये योगदान दिया, फर्स्ट, पहला, इट इज 5 लॉज ऑफ ये पहला और महत्वपूर्ण योगदान। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, 1928 में रंगनाथन ने MALA, जिसे हम कहते हैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, आज भी है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हम माला कहते हैं, MALA। मैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का लाइफ टाइम मेंबर हूं। आप में से भी कोई अगर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं तो आप उसकी फीस डिपॉजिट करा के आप भी लाइब्रेरी MALA यानी कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की मेंबरशिप ले सकते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत सभी जितने भी लोग हैं और उनकी जो विचारधाराएं, अगर विचारधाराएं मैच करती है, आप मेंबरशिप लेना चाहें ले सकते हैं। मेंबरशिप से फायदा ये कि समय समय पर रंगनाथन से संबंधित या पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनकी समस्त जानकारी आपको मिलती है, तो वो माला से जुड़कर आप इस प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, रंगनाथन ने ये योगदान है, पहला मैंने आपको बता दिया 5 लॉज हैं, दूसरा मैंने आपको बता दिया दैट इज मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात है। तीसरा योगदान जो है रंगनाथन का, वो नंबर 3 है। रंगनाथन ने 1929 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से, यानी कि MALA मैंने लिखा, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से रंगनाथन ने 1929 के अंदर जो है लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा स्टार्ट किया, दैट इज पहला कोर्स स्टार्ट किया, जिस कोर्स का जो है सर्टिफिकेट कहते हैं CERTificate। इन लाइब्रेरी साइंस, जिसको हम सिलिब भी कहते हैं, सी, अभी अब मैंने आपको कल भी बताया था, सिलिब, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस 1929। तो 1929 में रंगनाथन का प्रयास है, 1929 में रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में जो है सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया सबसे पहले। तो साथियों, ये 1, 2 और ये नंबर 3 है आपका, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि तीसरा योगदान जो है शिक्षा, पहला 5 लॉज है, दूसरा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन गठन है, और तीसरा 1929 में सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, ये MALA माला के सहयोग से जो है रंगनाथन ने किया। देखिए साथियों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो रंगनाथन के जीवन परिचय की बात कर रहे हैं, रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में रंगनाथन के योगदान की बात कर रहे हैं। तो ये 2 पार्ट में करेंगे हम लोग। पहला पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, आप इसी चीज़ को देखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपके लिए दूसरा पार्ट है, जिसमें दूसरे पार्ट में आप जो है रंगनाथन के जीवन के यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर प्रश्न पूछा था, रंगनाथन के कौन कौन सी पुस्तकें हैं, रंगनाथन के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए, कौन कौन सी स्थापना की गई, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूं और जहां जैसा प्रश्न होता है उसका हम लोग उत्तर भी देते हैं। हम अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करते हैं, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया आपका फीडबैक जानना हमारे जरूरी है। तो यहां ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करते हैं, आगे की जानकारी और हम मिलेंगे अगले पार्ट में, जिसका नाम है रंगनाथन जीवन परिचय पार्ट 2।